स्टार्ट किया अपने ब्लॉग को शॉपिंग से। एक दिन पहले ही मैंने सारा कुछ शॉपिंग किया था जाके, और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। चूँकि दिवाली भी आ गई है तो सारा कुछ ऐसे डेकोरेट किया गया है, लाइटिंग डेकोरेशन की सारी चीज़ें। तो मुझे तो करवा वगैरह जो भी चाहिए था वो लेना था, तो वो सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ इस मार्केट में मिल गई थी जो कि पास में ही है मेरे सोसाइटी के। तो सारा कुछ मैंने एक दिन पहले ही ले लिया था। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है मार्केट। तो मैंने मेहंदी भी पहले ही लगवा लिया था, फ्राइडे को ही मैंने मेहंदी लगवा लिया था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाता है त्यौहार के एक दिन पहले, तो इस वजह से मैंने पहले ही मेहंदी लगवा लिया था। गाइज़ अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, सुबह के 10 बज रहे हैं और नहाने के बाद अभी पूजा करने वाली हूँ मैं। तो ये पहना आज मैंने ड्रेस, आप देख सकते हैं येलो कलर में, और पुराने वीडियो में भी आपने देखा होगा मेरा ये ड्रेस कुर्ती मेरा ये। तो इसलिए मैंने ये येलो कलर का ड्रेस पहना है बिकॉज़ फेस्टिव में थोड़ा सा यू नो काफ़ी अच्छा लगता है, फीलिंग आती है फेस्टिव वाली अगर येलो कलर में, और रेड कलर में अगर आप कुछ भी ड्रेस पहनते हैं या फिर कुर्ती पहनते हैं। तो मैं रेड कलर में शाम को पहनने वाली हूँ इवनिंग में, तो इसलिए मैंने अभी येलो कलर में ये कुर्ती पहनी है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, यहाँ से टाई करने के लिए दिया है और बहुत ही कम्फर्टेबल है ये कुर्ती, और जो कि मैंने मिंत्रा से लिया था। मेरे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोगों को, तो वहाँ से आप चेकआउट करें। मैंने फेस्टिव सीजन का एक हॉल वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसका लिंक दिया था। तो चलिए मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कि आगे क्या करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले अभी मैं जाके पूजा करूँगी, और पूजा करने के बाद मैं सारा चीज़ जो भी प्रिपेयर करते हैं, खाना बनाते हैं, कढ़ी चावल और बहुत सारी चीज़ें, गट्टे वगैरह जो भी बनाते हैं, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए, तो चलिए चलते हैं पूजा करने। एंड यस गाइस, वीडियो को देखते देखते वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, उसे अपलोड होने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो अभी मैं यहाँ पे चने की दाल को पीसने जा रही हूँ मिक्सी में, जो कि गट्टा बनाना है, गट्टा या गोचा जो भी आप लोग बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोला जाता है वही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और अब मैं पुआ के लिए घोल तैयार करने जा रही हूँ, और उसके साथ ही मैं आटा भी गूंथ लूँगी। तो यहाँ पे घोल मैंने तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं, और मैंने चने की दाल को भी पीस के रख लिया है। सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया था मैंने पहले से ही, ताकि सिर्फ बनाना ही हो, और उसके बाद देखिए आटा भी गूंथ रही हूँ मैं। तो अब यहाँ पे तैयारी हो रही है कढ़ी की, तो बेसन ले लिया है मैंने, और उसमें बेसन में जो भी मसाले यूज़ करते हैं, क्योंकि प्याज लहसुन तो यूज़ करना नहीं है, लहसुन तो कोई भी यूज़ नहीं करता है, लेकिन प्याज से मैं बनाती हूँ कढ़ी नॉर्मली। बट करवा चौथ के दिन ये सारी चीज़ों को करवा माता को चढ़ाना होता है, तो इस वजह से प्याज व्याज यूज़ नहीं करना होता है, तो बिना प्याज के ही मैं बनाई हूँ सब्ज़ी कढ़ी जो भी बनाना था।
सो गाइज अभी सारी चीज़ें बन चुकी हैं ऑलमोस्ट, और बचा है सिर्फ सब्जी जो कि मैं अभी बना रही हूँ, और उसके बाद मुझे सिर्फ चावल चढ़ाना है। तो सारा कुछ मैंने बना लिया है और अब मैं रेडी होने जाऊँगी, और उसके बाद पूजा के लिए सारा कुछ डेकोरेट करूँगी। अभी कुछ डेकोरेशन किया नहीं है मैंने, तो बस पूजा की सारी चीज़ें होंगी और पूजा करेंगे, कथा करेंगे, उसके बाद से जब चांद आएगा शाम तो चांद देख के अपना व्रत तोड़ेंगे। फिर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि कैसे मैंने सारी चीज़ें की हैं। सो गाइज अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी, और ये है मेरा लुक, आप देख सकते हैं, ये है मेरी साड़ी। और आज का लुक आपको कैसा लगा मेरा, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल्सो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, और पूजा में थोड़ा सा लेट हो गया, ये आवाज़ आ रही है जो कि मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का भी मैच आ रहा है तो मेरे हसन। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, पूजा के बाद देखते हैं कब तक चांद आता है।
सो गाइस, पूजा सारा हो चुका है और अभी तक चांद नहीं आया है, तो हम लोग चांद का वेट कर रहे हैं और 9 बज चुके हैं, तो अभी तक तो चांद नहीं आया। बहुत ही ज़्यादा तेज़ प्यास लग चुका है और हालत ख़राब है बिल्कुल। और तीज में मुझे प्यास नहीं लगा था क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना था, तीज में बनाना नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं बनानी थी, बट आज बहुत तेज़ प्यास लग गया है। भगवान जल्दी से दिख जाओ, दर्शन दे दो अपने। गाइज, ये था आज का करवा चौथ का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने फैमिली फ्रेंड एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग मी।